देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी द्वारा ये बात कही गई है कि झारखंड के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और उस खरीद फरोख्त में जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम का भी उल्लेख किया गया है। बहुत गंभीर विषय है और यदि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम चाहते हैं इस प्रकरण की जिसकी जो है अभी मरांडी जी ने जो वीडियो के माध्यम से सबके संज्ञान में लाने का काम किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच जो है सीबीआई भी करे, इनकम टैक्स भी करे, ईडी भी करे, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है क्या नाम इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कहती है कि अगर कहीं पर कोई बात होगी तो हम उसकी जाँच कराएँगे। और ख़ास तौर से जो है जो विरोध के लोग हैं उसके लिए तो तीनों एजेंसियां जो है तत्काल प्रभाव से कार्य करती है। अब देखते हैं ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाबूलाल मरांडी जी ने सीधे सीधे जो है आरोप लगाने का काम किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी पर भी आरोप लगाया है, इसमें केंद्र सरकार जो है क्या कार्रवाई करती है। बाबूलाल मरांडी बहुत सज्जन आदमी हैं और काफ़ी दिन बाद उनको आरोप लगाने की याद आई है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ पैसा दिया तो मेरे हिस्से में भी कुछ आना चाहिए था। मेरे पास कुछ आया नहीं भाई।